दोस्तों आज मैं आपके लिए सबसे शानदार बाइक से लेकर कुछ ऐसे मजेदार आविष्कार लेकर आया हूं जो हमारे आने वाले भविष्य को बदल के रख देंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर एक, मिमिक बाइक। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आने वाले 50 सालों में दुनिया से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मिमिक जैसी शानदार बाइक सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ये बिजली से चलने वाली बाइक है जिसका लुक फ्यूचरिस्टिक है और इसमें लगी LED इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो। नंबर दो, इन्फिनिटी रोबोटेंस। फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया ये बाइक किसी चमत्कार से कम नहीं, जिसकी डिजाइन इतनी यूनिक है कि इसे देखकर आपको पहली नजर में प्यार हो जाएगा। इसकी आगे वाली टायर नॉर्मल बाइक से काफी अलग है और पीछे का टायर का साइज आगे वाले टायर से काफी बड़ा है, और इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो आप इस बाइक में बैठकर बस कुछ ही सेकंड्स में कहीं भी आ जा सकते हो। नंबर तीन, फ्लाई मोवा प्रो। दोस्तों अगर आप पुराने खिलौनों से बोर हो गए हो तो आप इस बॉल के साथ खेल सकते हो। इसके अंदर ड्रोन लगाया गया है जो कि इसे गुब्बारे जितना हल्का बना देती है, जिसे आप घर के अंदर या फिर घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। और सच मानिए आने वाले फ्यूचर में बच्चे इसी खिलौनों से खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर चार, होवरिंग माउस। आपने आज से पहले हवा में उड़ने वाला माउस कभी भी देखा नहीं होगा, जो काफी फ्यूचरिस्टिक है। ये ड्रोन की तरह हवा में उड़ता है, वहीं इसकी वायरलेस होने की वजह से आप इसे बिना किसी सरफेस के भी आसानी से काम में ले सकते हैं, और इसमें लगी RGB लाइट इसे काफी कूल बना देती है। नंबर पाँच, ज़ाइलॉन मसाजर। अगर आपके शरीर में भी दर्द होता है तो आप इस मसाजर की मदद से दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें नॉर्मल मसाजर से लेकर हीट मसाज का भी ऑप्शन होता है, जो गर्दन और कंधे के दर्द को कुछ ही समय में दूर कर देता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको ये वीडियो लाइक करने में बस 1 सेकंड का ही समय लगेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।